हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गैंगस्टर नीरज बवाना को लेकर, क्योंकि नीरज बवाना के गुर्गो ने गुरुग्राम के कंपनी मालिक से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। बताते हैं आपको पूरा मामला। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी मांगने वाले ने खुद को हरियाणा के नामी गैंगस्टर नीरज बवाना का गुर्गा बताया है। धमकी भरा लेटर अखबार में छुपाकर घर भेज दिया। सेक्टर 14 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर 14 में रहने वाले पीड़ित बिजनेसमैन ने बताया कि उनकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित मानेसर में 2 कंपनियां हैं, जिनमें वह जापानी कंपनी के साथ मिलकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। सुबह के वक्त वह अपने घर पर थे, इसी दौरान उन्होंने घर पर आई अखबार को उठाया और पढ़ने लगे। इसी दौरान अखबार में एक लिफाफा लिपटा हुआ मिला, जिसे खोला तो उसे धमकी भरा एक लेटर मिला था। उसमें लाल रंग से लिखा था कि वह नीरज बवाना गैंग का सदस्य है, उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगर पैसे नहीं मिले तो जान से मार देंगे। पीड़ित बिजनेसमैन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद सेक्टर 14 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने धमकी भरे लेटर को अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही साथ अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। इतना ही नहीं, पीड़ित के घर के आसपास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 17 क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगाया गया है। दरअसल दोस्तों, गैंगस्टर नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले पहले भी गुरुग्राम में आ चुके हैं। छानबीन में यह पता चला कि रंगदारी मांगने वालों का नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई से कोई लेना देना ही नहीं था। इस बार भी नीरज बवाना के नाम का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि यह तो आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा कि वह नीरज बवाना का गुर्गा है या फिर उसके नाम का ही इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसमें नीरज बवाना गैंग के गुर्गे ने ही धमकी दी होगी या फिर किसी और ने? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।